जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इजहार किया कि हमसायों के साथ अमन से रहना चाहिए, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शुरका का कहना था कि रियासती इदारों के तावुन से अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। मजीद तफसीलात क्या है, ताहिरा ठोर हमारे साथ है, ताहिरा ठोर बताएगा। जी बिल्कुल, जीएचक्यू रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की सदारत में फॉर्मेशन कमांडर का इजलास हुआ। इजलास में न सिर्फ बॉर्डर की सूरत हाल बल्कि अंदरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी गौर किया गया, बिलखसूस ऑपरेशन रदुल फसाद के हवाले से मुफसल गौर खौज किया गया और उसकी कामयाबियों पर तबसरा किया गया। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने फॉर्मेशन कमांडर इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, हम अपने हमसायों के साथ दोस्ती और अमन के साथ रहना चाहते हैं। तहम अगर हमारे बॉर्डरों पर कोई शिकायत की गई, कोई शरारत की गई तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसमें किसी किस्म का कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जो वॉर अगेंस्ट टेरर में जो कुर्बानियां दी हैं सिविलियंस ने और फौजियों ने और दीगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने और उनके अहलकारों ने उनकी भी तारीफ की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारियां खूब निभाएंगे और निभाते चले जाएंगे और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ताहिर राठौर।